You are watching Poonch Live. आदाब नाज़रीन, आज पुंछ के खनितर एरिया में एक इंसिडेंट हुआ है जहां पर एक घर गिरने की वजह से जो है 30 से ज़्यादा जो है औरतें इसमें जख्मी हुई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जाकिर हुसैन नामी शख्स, उनके घर पर किसी की डेथ हुई थी, वहां पर ये औरतें गई हुई थी। जैसे ही जनाजा लेके वहां से निकले हैं, थोड़ी देर बाद जो है वो छत जो है वो गिर गया, जिसकी वजह से 30 से ज़्यादा जो है औरतें जख्मी हुई हैं, जिनको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में लाया गया है। वहीं यहाँ डॉक्टर्स के लिए एक नया चैलेंज जो है सामने आ रहा था कि जो लोग एक्स्ट्रा जो लोग यहाँ पर अंदर आ रहे थे, जो ट्रीटमेंट सही से नहीं करने दे रहे थे, जो लोग तमाशा देखने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके बाद और पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया था, पुलिस की मदद ली गई थी और मेडिकल सुपरिटेंडेंट खुद यहाँ पर जो अनाउंसमेंट करते दिखाई दे रहे हैं कि वो लोगों को यहाँ से हटने के लिए कह रहे थे कि हमें आप जो इंजर्ड आए हैं उनका हमें जो ट्रीटमेंट करने दें। तो ये भी एक चैलेंज था यहाँ के डॉक्टर्स के लिए। अभी तक पूरी जो फिगर हमारे सामने नहीं आई है, इसमें कितनी जो टोटल जो है जो औरतें इसमें जख्मी हुई हैं, ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार रहेगा। जैसे कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट से हमने बात की, उन्होंने बताया कि आधे घंटे के बाद इस पर मजीद कहा जा सकता है कि कितने लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं और कितनों को यहाँ पे हॉस्पिटल में लाया, जिनका यहाँ पे इलाज चल रहा है। मेरा नाम इरशाद हुसैन शाह, मैं खेत्र का रहने वाला हूँ। तो वहाँ पर एक हादसा हो गया जो कि डेथ हो गई थी श्रीनगर में हमारी बहन की। वो जनाजा लेके निकली थी तो पीछे लड़कियाँ थी काफ़ी, जो मकान के ऊपर थी, लेंटर वाला मकान था, डब सी, तो वो अचानक रह निकले तो वो अचानक टूटी, उसमें वो नीचे चले गए, काफ़ी 20-25 लड़कियाँ जो हैं वो जख्मी हो गई हैं, काफ़ी अभी डेथ नहीं हुई किसी की, लेकिन जख्मी हैं, ट्रीटमेंट के लिए पहुंच हॉस्पिटल में शिफ्ट किए हैं, आगे देखते हैं क्या। ये जो खनेतर में कोई मकान कोलैप्स का इंसिडेंट हुआ है, इसमें इस वक्त तक हमारे पास 30 से ऊपर लोग आ चुके हैं। अभी तक जो पहले डॉक्टर ने चेक किया है, इसमें तो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, कोई सीरियस नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी पब्लिक जो है वो पेशेंटों को प्रॉपर चेकअप करने नहीं दे रही है। एक एक पेशेंट के साथ चार चार छः छः लोग हैं, उसके बाद कुछ तमाशगीर जो लोग हैं वो भी एंटर हो चुके हैं हॉस्पिटल में। हम कोशिश कर रहे हैं बार बार कि भाई लोगों को बाहर जाएँ ताकि पेशेंट की प्रॉपर चेकअप हो, लेकिन पब्लिक कोऑपरेट नहीं कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है इस वक्त। तो कोशिश यही है कि हम उनको प्रॉपरली मैनेजमेंट करें और पूरी फिगर डिटेल में किसकी क्या पोजीशन है, रेफरल के काबिल है या कोई नहीं है, वो अभी हम फिलहाल आधे घंटे के बाद ही कर पाएंगे। नहीं, अभी तक हमारे पास यहाँ ना हॉस्पिटल में कोई डेथ लाई है और ना हमारे नोटिस में कोई आई है कि उधर भी कोई डेथ हुई है।